इंडियन प्रीमियर लीग मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात जायंट्स जो कि होने वाला है भाई अपना मैच चेन्नई में। और चेन्नई की भाई पिच रिपोर्ट है थोड़ी पिच स्लो होती है, यहाँ पे जो कटर का इस्तेमाल करता है उसको अच्छी खासी ट्रेंड मिलती है प्लस विकेटें मिलती है। यहाँ एवरेज स्कोर 170 से 165 के बीच में रहता है और यहाँ बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल हम चेन्नई की प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। देखो चेन्नई प्लेन 11 जो कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट मैच जिस चेन्नई पे खेला है उसने स्कोर मारा है 15 रन, उससे पहले 4, 5, 10, 32, 123, 58, 0, 8, 71 मतलब लास्ट मैच में भी ठीक ठाक बैटिंग की, इतना ख़राब भी नहीं, 15 रन मारा है और थोड़ा हरकत हो रही थी इसलिए आउट हो गया। रचित रविंद्रा भाई लास्ट मैच में इस ग्राउंड पे 37 रन मारा है, इससे क्या पता चलता है कि फॉर्म है। 68 रन 2 रन 1 विकेट 3 रन 0 विकेट 45 रन 0 विकेट भाई अभी चेन्नई इससे बॉलिंग नहीं डलवा रही, जब ये बॉलिंग डालेगा ना तो कप्तान का ऑप्शन आएगा सीधा। अजिंक्य रहाणे इस ग्राउंड में भाई 27 रन और उससे पहले 1, 7, 78, 12, 8, 3, 34, 15 भाई इसका अजिंक्य रहाणे का एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, डोमेस्टिक में तो उतना खास किया नहीं मगर चेन्नई में आते ही इसकी पता नहीं क्या हो जाती है, एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है और अच्छा खासा स्कोर करने लग जाता है। डैनियल मिचर का तो फॉर्म बढ़िया था ही मगर चेन्नई वाले मैच में इसने 22 रन मारे, 2 छक्के मारे बिल्कुल प्यारे से, तो भाई यहाँ अच्छी खासे स्कोर बनेगा। शिवम दुबे मैंने हेड टू हेड का रिकॉर्ड बताया हुआ था, बस थोड़ा एक्स फैक्टर में डाला था तो लेने में रिस्क था तो मैंने इसलिए लिया नहीं, मगर इसका हेड टू हेड में बहुत तगड़ा रिकॉर्ड था और इसने स्कोर मारे 34 रन भाई जडेजा के साथ, उससे पहले 1, उससे पहले 63, 1, 60, 1, 45, 8, 1 मतलब बहुत तगड़े फॉर्म में। रविंद्र जडेजा 25 रन मारे भाई लास्ट मैच में उसने, बॉलिंग से तो विकेट नहीं ली मगर 25 रन मारते हुए 4 रन 2 विकेट 19 रन 0 विकेट 9 रन 0 विकेट 2 विकेट मतलब फॉर्म ठीक ठाक है बिल्कुल तगड़ी भाई। एच रिजवी भाई इसको ना अभी डोमेस्टिक या कोई लीग चल रही थी, अच्छी खासी इसने पिटाई की है और उसके बाद इसको 11 में शामिल किया, इसकी बैटिंग ही नहीं आई, मतलब बैटिंग प्रेफर करनी थी रविंद्र जडेजा से ऊपर मगर बैटिंग प्रेफर नहीं की, कोई नहीं मगर रिकॉर्ड सुन लो 61, 43, 13, 10, 1, 42, 30, 31, 14 मतलब ख़तरनाक। MS धोनी 0, 1, 5, 2, 20 मतलब बहुत कम चांस है धोनी को कम से कम बॉल मिलेगी और हिट मारने पड़ेंगे, उसके चक्कर में आउट हो सकता है। दीपक चहर लास्ट मैच में 1 विकेट लेके गया, अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, उससे पहले 2, 6, 0, 2, 3, 1, 2, 2 मतलब बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फॉर्म में। ठीक साना भाई लास्ट के 3 मैच तीनों में फ्लॉप है भाई, 5 मैच में 1 विकेट लिया है तो मैं अभी नहीं बोलूँगा लेने के लिए, बस हेड टू हेड में उस दिन रिकॉर्ड अच्छा था चेन्नई और बैंगलोर के खिलाफ इसलिए मैंने लिया था, नहीं तो मैं इसको नहीं लेता। और भाई तुषार देशपांडे पूरे 4 ओवर डालने के बाद इतनी पिटाई खाया कि क्या बोलूँ, उससे पहले 2, 1, 3, 4, 3, 3 मतलब बहुत तगड़े फॉर्म में था, कुछ नहीं कह सकते। हम चलते हैं गुजरात 11 की तरफ, सॉरी गाइस अभी चेन्नई के बेंच प्लेयर रह गए थे भाई। तुषार देशपांडे भाई बहुत तगड़े फॉर्म में, 2, 1, 4, 3, 3, 3, 1, 4 मतलब बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर रहा है। एम अली भाई थोड़ा ठीक ठाक है, 3, 2, 1 मतलब एवरेज है। और भाई और इशाद का भी बैटिंग अच्छी कर रहा है, 31, 17, 19, 62, 31, 10 मतलब ठीक ठाक है। मिचेल सैटनर का भी है, 1 विकेट 7 रन 2 विकेट 2 विकेट 4 रन 0 विकेट 1 विकेट मतलब मिचेल सैटनर का भी अभी फॉर्म थोड़ा एवरेज ही चल रहा है। निशान सिंधु 29 रन 0 8 रन 1 27 रन 1 61 रन 1 43 रन 2 मतलब निशान सिंधु खेलता है तो ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा। अजय माधवाल भाई इसका भी थोड़ा है, 10 रन 2 विकेट 3 विकेट 15 रन 1 विकेट 43 रन 0 विकेट एम चौधरी भाई लास्ट के 3 मैच में इसने 2 विकेट लिए हैं, मतलब ठीक ठाक फॉर्म है, उतना अच्छा भी नहीं उतना ख़राब भी नहीं। और भाई ये भी है आर हनगरा जो भी है, इसने भी 4 मैच में 2 विकेट लिए, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है। सिमरजीत का थोड़ा ठीक है, 4 मैच में 4 विकेट तो हर मैच में 1 विकेट लेके चलता है। सोलंकी इसका है भाई 4 मैच में 3 विकेट लिए, इसका भी थोड़ा एवरेज है। पथिराना का तो आपको पता है अभी इंजर्ड हो गया है तो इसका कोई खास मिलेगा नहीं।
फिलहाल अब मैं आपको गुजरात इलेवंथ की तरफ लेके चलता हूँ गाइस। भाई गुजरात इलेवंथ की तरफ हम आ गए, जिसमें रिद्धिमान साहब ओपनिंग किया था अपना और 19 रन मारे थे, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, आउट हो गया था। फिलहाल 19 रन, 5 रन, 3 रन, 37 रन, मतलब चार मैचों में इसकी कोई फॉर्म नहीं थी, मगर पिछले लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग किया। अटैकिंग बैट्समैन नहीं करेगा क्योंकि गिल थोड़ा टाइम लेता है और रिद्धिमान शाह को थोड़ा अटैक करना पड़ता है, तो शाह खेलेगा तो अटैकिंग करता हुआ दिखेगा। शुभम गिल भाई लास्ट मैच में 31 रन मारा, उससे पहले फॉर्म उतना खास था नहीं चार मैचों में, और चार मैच के बाद इसका फॉर्म अच्छा था, 80, 51, 23, 92, मतलब ठीक है, हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड था। साई सुदर्शन भाई बहुत तगड़े फॉर्म में, 45, 10, 62, 55, 21, 12, 15, 8, 125, मतलब बहुत तगड़े फॉर्म में था। उमर जाई जो कि हमने कप्तान बनाया था और अपना वन साइड क्लीन हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, 17 रन + 2 विकेट, 3 रन + 4 विकेट, 0, 0, 4, 1, 2, 19, मतलब बहुत तगड़े फॉर्म में ये भी, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा, और चौथे बैटिंग करेगा तो कप्तान का सीधा क्लियर है। विजय शंकर भाई डोमेस्टिक में ओवर भी डालते हैं, यहाँ इससे ओवर नहीं डलवाया, 23 रन + 0, 51 रन + 0, पाँचवें पे आएगा। छठे पे आपका डेविड मिलर खेलता हुआ दिखेगा। डेविड मिलर का थोड़ा चार मैचों में थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस है, मगर बैट्समैन बहुत तगड़ा है। राहुल त्रिवटिया भाई लास्ट मैच में 22 रन मार के आया, डोमेस्टिक में 24 रन 2 विकेट 3 रन 2 विकेट, मतलब डोमेस्टिक में क्या है कि राहुल त्रिवटिया पूरे चार ओवर डालते हैं, यहाँ पे क्या है तिवटिया को बैटिंग भी बहुत नीचे मिलती है, प्लस बॉलिंग तो ना के बराबर मिलती है। फिलहाल देखो राशिद खान जो कि लास्ट मैच में ओवर डाला मगर 0 विकेट, उससे पहले 1, 4, 3, 2, 2, बहुत तगड़े फॉर्म में, लेना ही लेना है। मोहित शर्मा जैसे कि मैंने आपको रिकॉर्ड में बताया था, हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा था, प्लेन इलेवन में रखते नहीं भाई, एक्सपेक्टेड का मुझे डर लगता है कि बाई चांस 5 से 6 विकेट गिर गए तो एक बैट्समैन ले लेंगे एक्सपेक्टेड में, इसलिए थोड़ा रिस्क लगता है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड प्लेयर लेता नहीं। फिलहाल अच्छा गेंदबाज था, रिकॉर्ड भी अच्छा था। एच जॉनसन हमने लिया था मोहित शर्मा की जगह, सेम पॉइंट दे के गया, दो विकेट लेके गया, उससे पहले फॉर्म अच्छा है, 1, 1, 2, 4, बिग बैस का फॉर्म था। उमेश यादव भाई हमारी ग्रैंड लीग मिस कराने वाला उमेश यादव था, अभी यही लास्ट ओवर जो 2 विकेट लेके गया उमेश यादव, वही लास्ट ओवर उमर जाई भेजता डालता तो अच्छा खासा हमारा ग्रैंड लीग में प्रॉफिट हो सकता था। कोई नहीं, उमेश यादव का रिकॉर्ड लास्ट में 2, 1, 2, 1, 2, मतलब बहुत तगड़े फॉर्म में उमेश यादव भी, पूरे चार ओवर डालेगा। तो फिलहाल बेंच की तरफ चलते हैं, देखो गुजरात का बेंच है मैथ्यू वेड जो कि रिसेंट में कोई इसका रिकॉर्ड मिला नहीं है, केस भरत 2, 15, 1, 4, 7, मतलब टेस्ट तो बिल्कुल खराब गई है। ए मनोवर भाई इसका थोड़ा फॉर्म मुझे बढ़िया लग रहा है, 4 मैच में अच्छा खासा पिटाई किया, 91 रन 14 रन 3 रन 40 रन, मतलब ख़तरनाक बैटिंग। उमर जाई तो प्लेइंग में है। शाहरुख खान भाई 13, 0, 31, 0, मतलब बिल्कुल ख़राब। मानव इसका भी 7 रन 0, 9 रन 3 विकेट 41 रन 2 विकेट 2 विकेट, मतलब ख़तरनाक ऑलराउंडर लग रहा है मुझे थोड़ा। जोसुआ लेटन 1, 2, 3, 1, मतलब 4 मैच में इसने विकेट लिए 7 विकेट, मतलब तगड़ा गेंदबाज है, नहीं 8 विकेट सॉरी, तगड़ा गेंदबाज है तो ले सकते हैं। नूर अहमद ये आपको भाई खेलेगा तो हर मैच में 1 विकेट लेता हुआ दिखेगा। कार्तिक त्यागी भाई 4 मैच में 9 विकेट, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छी गेंदबाजी डालता है, ब्रैटली का फैन है। साई सुदर्शन ने लास्ट मैच में खेला है, रोहित को शर्मा को आउट किया, उससे पहले फॉर्म तो आप देख लो 2, 3, 3, 3, 2, 2, तो बहुत तगड़ा गेंदबाज है। जयंत यादव 3 में 2 एवरेज है, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। संदीप वॉरियर भाई बहुत तगड़े फॉर्म में, 4 में 7 विकेट, और है आपका सुशांत मिश्रा, इसका भी थोड़ा 4 मैच में 6 विकेट है, थोड़ा ठीक ठाक ही है। फिलहाल हम हेड टू हेड बैटल की तरफ लेके चलते हैं, क्या चल रहा है हेड टू हेड बैटल। देखो भाई हेड टू हेड बैटल में आपका है भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 मैच खेले, 304 रन बनाए 92 के स्ट्राइक रेट से, एवरेज कितने का देख लो अब 60 का, तो आज कप्तान वाइस का तो यहीं क्लियर हो गया। 5 में रिद्धिमान शाह ने मारे हैं 159 रन, 67 का एवरेज, 42 का एवरेज है बैटिंग में। शुभम गिल 5 में 162 हाई स्कोर 63 का है और 32 का एवरेज है, ठीक ठाक है। साई सुदर्शन 2 मैच खेला 118 रन,
94 का हाई स्कोर और 59 का एवरेज। डेविड मिलर भाई इसका तो भाई तगड़ा लग रहा है, दो मैच खेला है, ये तीन मैच 113 रन 94 का हाई स्कोर 113 का एवरेज, मतलब परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा आपको। रशीद खान भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता, 26 का एवरेज है, चार मैच में 80 रन। शिवम दुबे 5 में 71, 32 का हाई स्कोर, 17 का एवरेज, मतलब बिल्कुल ख़राब लग रहा है। रविंद्र जडेजा 30 का एवरेज है, इसका थोड़ा ठीक है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा। फिलहाल देखो हेड टू हेड बॉलिंग परफॉर्मेंस, पथी राणा भाई इंजर्ड है, खेलता तो इंपॉर्टेंट हो जाता। फिलहाल रविंद्र जडेजा ये भाई 4 मैच में 5 विकेट, ठीक ठाक है, मतलब ख़राब भी नहीं है क्योंकि बैटिंग भी करेगा, आपको 40 से 50 पॉइंट देता हुआ दिखेगा। मोहित शर्मा 2 में 5 विकेट, इसका थोड़ा बढ़िया है चेन्नई के खिलाफ क्योंकि यहाँ खेल रखा है, इसको पिच पता है कैसी मूव करती है, तो अच्छा है। राशिद खान 5 में 4 विकेट, मतलब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतिक सना का भी 3 में 4 विकेट एवरेज ही है। नूर अहमद का 2 में 3 विकेट एवरेज है। दीपक चहर का 3 में 3 विकेट, मतलब एवरेज है। रिकॉर्ड के हिसाब से भाई गायकवाड़ कप्तान बन सकता है, डेविड मिलर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, गेंदबाजी में तो एवरेज है क्योंकि चेन्नई में उतनी विकेट मिल नहीं रही अब स्पिनर को। फिलहाल हम प्रेडिक्शन टीम की तरफ चलते हैं, क्रिएट करके दिखाते हैं आप सबको। फिलहाल देखो भाई चेन्नई और गुजरात की हम टीम क्रिएट करके दिखाएंगे। फिलहाल डेन कॉनवे अपना इंजर्ड है तो बाहर है। एमएस धोनी भाई विकेट कीपिंग करेगा, बैटिंग तो करेगा नहीं क्योंकि बैटिंग तो आपको पता है नीचे आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बॉल मिलेगी, उसमें हिट करना पड़ेगा तो उतना खास नहीं रहेगा। रिद्धिमान शाह का थोड़ा एवरेज अच्छा है, 40 का एवरेज है, प्लस विकेट कीपिंग भी करेगा, ओपनिंग भी करेगा, तो विकेट कीपर से एक ही बहुत शानदार पिक है। मैथ्यू वेड तो खेल नहीं रहा। फिलहाल देखो बैटिंग की तरफ चलते हैं, शुभम गिल इसका थोड़ा 23-24 का एवरेज है, फिर भी इसको लेके चलना है क्योंकि भाई इंटरनेशनल प्लेयर है, अच्छी बैटिंग कभी भी कर सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ये आपका कप्तान भाई, इसका दावेदार आज के मैच का हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका एवरेज 60 का है, मतलब 40 से 50 रन आपको मारता हुआ दिख सकता है, तो लेना ही लेना है। केन विलियमसन भाई खेलता है तो इम्पोर्टेंट होता है, क्यों, 30 से 25 रन हर मैच में आपको करता हुआ दिखेगा। डैनियल मिचेल भाई बहुत तगड़ा बैट्समैन है, चेन्नई में स्लो पिच होती है, अच्छी खासी बैटिंग करता है और हिटिंग भी शानदार करता है। डेविड मिलर इसका एवरेज थोड़ा बढ़िया है, अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि डेविड मिलर या शुभम गिल या साई सुदर्शन, इन तीनों में से। फिलहाल मैं अभी सेफ जा रहा हूँ, मैं अभी साई सुदर्शन पिक कर रहा हूँ। अब देखो भाई शिवम दुबे अच्छा प्लेयर है, रिकॉर्ड मतलब हेड टू हेड में एवरेज है, मगर मेरा फेवरेट बैट्समैन है, हो सके मैं ले सकता हूँ, फिलहाल मैं अभी एक्सपेक्टर में ले नहीं रहा। अजिंक्य रहाणे भाई जैसे कि मैंने बताया डोमेस्टिक में तो अच्छा करेगा नहीं, आई चेन्नई की टीम में आती इसको पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, 142 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। विजय शंकर भाई बैटिंग उतनी आई नहीं थी मगर ठीक ठाक ही है, मतलब 1-2 बॉल खेली थी, 5 बॉल खेली थी, 6 रन बनाया था तो ठीक ठाक है। ए मनोहर इसका थोड़ा हिट और मिस टाइप वाला प्लेयर। रिजवी का जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इसका ये है कि भाई इसका बैटिंग ऑर्डर 7 पे करते थे, अड़ेजा से ऊपर आता तो आपको 1-2 छक्के या कुछ करता हुआ दिखता। फिलहाल देखो ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं, रविंद्र जडेजा ये आपको 40 से 50 पॉइंट देता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये बॉलिंग भी करता हुआ दिखेगा और थोड़ी बहुत बैटिंग तो करता ही करता है। रचित रविंद्रा लेना ही लेना है। उमर जाई जो कि अपना कप्तान वाइस का दावेदार है, अब रविंद्रा भी ओवर डालेगा तो भाई सीधा क्लियर माइंड सेट है, कप्तान वाइस दोनों हो जाएंगे उमर जाई और रविंद्र। राहुल तिवटिया भाई बहुत अच्छी बैटिंग करता है, डोमेस्टिक में इससे ओवर डलवाते, यहाँ जिस दिन ओवर डलवाना चालू कर दिए तो ये भी अच्छा खासा वाइस का दावेदार आ जाएगा। फिलहाल तो अभी कोई है नहीं, सैटनर शाहरुख खान और सिंधु, मतलब कोई खेलेगा तो मैं आपको रिकॉर्ड तो बता ही दिया, बाकी आप देख लेना रिकॉर्ड जाके। राशिद खान जो कि भाई लेना ही लेना है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड ख़राब है मगर क्या है कि ये थोड़ा राशिद खान है, थोड़ा कभी भी हेड टू हेड चेंज करने का दम रखता है, ठीक है ना, और चेन्नई के पीछे। दीपक चहर भाई इसका हेड टू हेड में 1 विकेट है एवरेज इस ग्राउंड पे 1 विकेट है हेड टू हेड में, तो इसलिए मैं अभी ले नहीं रहा। मोहित शर्मा ये एक्सपीरियंस है, इसका 2 मैच है 5 विकेट है, ठीक है ना, इसको थोड़ा देख सकते हो 11 में खेले तो, नहीं तो एक्सपेक्टर में ही आएगा। और रहमान मैं पिक कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट मैच इस ग्राउंड पे खेला है, पिच में पता है इसको क्या डालनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो भाई ये अपना है थिक साना भाई, हेड टू हेड में ख़राब है,
तो इतना मैं इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा। शार्दुल ठाकुर खेलेगा तो मैंने स्टैट्स बता रखा है, पथी राना तो अभी अनवेलेबल दिख रहा है मुझे, खेलेगा तो थोड़ा इसका बढ़िया है, 3 या 4 मैच में 6 विकेट है। उमेश यादव भाई ग्रैंड लीग मिस कराने वाला, यही है, लास्ट ओवर दे दिया आशीष नेहरा ने, कोई नहीं, अच्छा गेंदबाज है, 4 ओवर पूरे डालेगा तो अच्छी खासी विकेट लेता हुआ दिखेगा। तुषार देशपांडे फॉर्म बहुत खतरनाक है, मगर लास्ट में 2 ओवर डालने के बाद 17 ओवर 20 ओवर विकेट नहीं लेके गया, क्या बोले भाई। एस जॉनसन जो कि मुझे अंदर से अच्छा गेंदबाज लगता है, अच्छी खासी स्कोर करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मैं एस जॉनसन को नहीं ले रहा, मैं पिक कर रहा हूँ साई किशोर को। अब तुम, मैं ट्रंप है भाई, ये मेरा ट्रंप है, पूछो कैसे, क्योंकि भाई चेन्नई में ये लास्ट सीजन था, ठीक है ना, और चेन्नई की नेट में इसने बहुत बॉलिंग की है, इसको पूरा एरिया का टप्पा पता है, किस टप्पे पे कौन सी बॉल डालनी है, ठीक है ना भाई, पहले बता रहा हूँ। हो सके मैं मोहित शर्मा भी ले सकता हूँ और तुषार देशपांडे भी। फिलहाल मैं अपना थोड़ा ट्रंप खेल रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन अच्छा करता हुआ दिखेगा। फिलहाल देखो कप्तान वाइस, जीटी बॉलिंग करती है या बैटिंग करती है, कप्तान वाइस 2 ऑप्शन बढ़िया है, ऋतुराज गायकवाड़ और उमर जाई, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं अभी उमर जाई को बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बैटिंग करेगा प्लस बॉलिंग करेगा, मुझे दोनों लग रहा है, और रविंद्र जडेजा और रविंद्रा भी अच्छे ऑप्शन है कप्तान वाइस के, ठीक है ना। फिलहाल मैं अपना थोड़ा अपने के हिसाब से जा रहा हूँ। सा है भाई विकेट कीपर में, जो कि आपको 25 से 30 पॉइंट देता हुआ दिखेगा। शुभम गिल अच्छा बैट्समैन है, इसलिए लिया है। ऋतुराज गायकवाड़ 60 का एवरेज है, वाइस बनाया, कप्तान भी बना सकता हूँ। डैनियल मिचेल अच्छी फॉर्म में है। साई सुदर्शन भाई लास्ट मैच में अच्छी इनिंग खेल के आया। रविंद्र जडेजा भी अच्छा है, और रविंद्रा ओपनिंग आ रहा है, हिटिंग कर रहा है और ओवर भी डालता है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उमर जाई जो कि अपना कप्तान है, 4th-5th बैटिंग करेगा प्लस 3 से 4 ओवर डालेगा, अच्छा ऑलराउंडर है। राशिद खान इसका तो कहने की बात ही नहीं है, 30 से 40 पॉइंट देता हुआ दिखेगा। एम रहमान ये भी अच्छा गेंदबाज है, अच्छी बॉलिंग डालता हुआ दिखेगा, लास्ट मैच में 3 विकेट। साई सुदर्शन मैं थोड़ा एक्सपेक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि चेन्नई में खेला है और नेट में इसने बॉलिंग डाली है अच्छी खासी, है आपको मुझे अंदर से लग रहा है कि 2 विकेट लेता हुआ दिखेगा, ट्रंप ले लग रहा है। फिलहाल प्रेडिक्शन टीम तैयार है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे, लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहो, मिलते हैं गाइस।